दोस्तों नमस्कार, मैं पवन श्रीवास्तव आज आपको एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया है, बहुत सारे लोगों को सपनों की आज़ादी दी है, अपने सपनों की ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी है। मैं ऐसा बिजनेस प्लान आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं बता दूँ कि ये जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, ये भारत में सबसे पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम में मोदी केयर लेके आया था, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी। दोस्तों मोदी केयर के बारे में बताऊं तो मोदी केयर बहुत बड़ा ग्रुप है, करीब 68,000 करोड़ का ग्रुप है। मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज भारत में 1933 से काम कर रही है। 1933 में इन्होंने शुगर फैक्ट्री लगाई बेगमाबाद बाग में, तो उस जगह का नाम मोदी नगर आज की डेट में है। और मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप गिनेंगे तो बहुत सारे मोदी टायर, मोदी धागा, मोदी यूनिवर्सिटी, मोदी पेजर, मोदी जेरॉक्स, स्पाइस मोबाइल, गॉडरे फिलिप्स, तो एक बहुत बड़ा मोदी सीमेंट, मोदी एजुकेशन, तो बहुत बड़ा एक ग्रुप है। और उसी का एक डिवीज़न है जिसको हम बोलते हैं मोदी केयर, जो डायरेक्ट सेलिंग में 30 मार्च 1996 को स्टार्ट हुआ। 30 मार्च 1996 को मोदी केयर की स्थापना हुई थी। श्री समीर मोदी, हमारे जो गॉडफादर हैं समीर मोदी द्वारा मोदी केयर की स्थापना हुई थी। और एक ही उद्देश्य था, घर घर आज़ादी पहुंचाना। आज़ादी मतलब पैसा और समय दोनों एक साथ, तो पैसा और समय दोनों एक साथ मिलेगा। उसकी आज़ादी की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1996 को। दोस्तों आज की डेट में मोदी केयर में 350 से 400 प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर, लॉन्ड्री, कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी में, और दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सब सारे प्रोडक्ट्स मोदी केयर आपके पास अवेलेबल कराएगा। तो दोस्तों मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस प्लान कैसे है, ये पैसा कैसे आता है और इसमें कैसे आप बना सकते हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कि हमारे दोस्तों हमारी ज़रूरत क्या है। अगर हमारे पास पैसा रहे तो सब कुछ है, या हम कहीं कोई भी काम जो करते हैं उसके पीछे हमारा पहला मोटिव क्या होता है कि वहाँ से कुछ पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कि पहला है कोई भी कार्य करते हुए मनी, मनी मतलब पैसा। दूसरा चीज़ है पैसे के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अपना टाइम देते हैं। कहीं भी हम जाते हैं तो नौकरी करेंगे तो वहाँ पर टाइम देंगे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, या कहीं भी जाएंगे तो हम टाइम देंगे कि नहीं देंगे, टाइम देंगे, तो टाइम भी देना पड़ता है। अब मनी के साथ टाइम हम देते हैं, टाइम के साथ हमें क्या चाहिए कि सुरक्षा, सिक्योरिटी। आज हम पैसा टाइम दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कल हम वो काम अगर नहीं कर पाए तो क्या सिक्योरिटी रहेगी। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्योरिटी हमें चाहिए। लेकिन हम लोग कहाँ फंसे रहते हैं, टाइम देते हैं तो पैसा आता है, फिर टाइम अगर नहीं देते हैं तो पैसा नहीं आता है, वो चीज़ मैं बताऊँगा, सिक्योरिटी। फिर चौथी चीज़ और इंसान की ज़रूरत होती है, वो होती है रिकग्निशन, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत। हर आदमी चाहता है कि हमें दुनिया में कुछ लोगों की पहचान मिले, कहीं भी जाएं तो लोग हमें जाने, हमें सम्मान मिले, शोहरत मिले, हर आदमी की एक होती है। तो ये चार चीज़ों की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, इसको हम देखते हैं कि कैसे किस प्रकार के लोग होते हैं। ये बिजनेस में आपको ये चारों चीज़ें एक साथ मिलेंगी, हम इसी चीज़ में उलझे जाते हैं। इसके आगे की सिक्योरिटी और रिकग्निशन तो हमें कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं पाती है। रिकग्निशन पैदा हो गए, बर्थडे मना दिया गया 5-10 साल तक, उसका शादी हो गई, एक बार जयमाल होकर लास्ट में रिटायरमेंट, हमें जीवन में क्या मिलता है। लेकिन ये बिज़नेस आपको वो देश विदेश की यात्रा, मान सम्मान और बहुत सारे लोगों से पहचान और आपके सपनों की ज़िंदगी देता है। कैसे देता है दोस्तों, अगर हम देखें पूरी दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं, जितना भी प्रोफेशन है, तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो पूरी दुनिया में 4 प्रकार के लोग जो है प्रोफेशन में रहते हैं। पहला प्रोफेशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है एम्प्लॉई, ई फॉर एम्प्लॉई। एम्प्लॉई मतलब गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी करने वाला या प्राइवेट नौकरी करने वाला। दूसरा क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ, उसने अपना पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया और अपना स्किल भी लगा दिया और दुकान खोला उसने,
ठीक है। तो एम्प्लॉय जब तक काम कर रहा है उसको पैसा आएगा, एम्प्लॉय जब काम करना बंद कर रहा है पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ा, उन्होंने 10-12 लाख का एक शोरूम खोल दिया, एक दुकान खोल दी और वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। तो यहाँ उन्होंने अपना पैसा भी लगा दिया, अपना समय भी दे दिया और स्किल भी। जब भी ये दुकान खोलेंगे इनको पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेंगे तो पैसा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। यानी इन इस तरफ के जो लोग हैं वो एक्टिव इनकम पाते हैं। कौन सी इनकम पाते हैं? एक्टिव इनकम। और जब तक ये काम करेंगे उनको पैसा आएगा, काम करना बंद कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा, नौकरी पे नहीं जाएंगे या दुकान नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अब एक्टिव इनकम होती है प्लस इनकी इनकम क्या बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है? नहीं, एक लिमिटेड इनकम होती है, क्योंकि ये जो है इनका घंटा भी लिमिट है, आवर्स जो दे रहे हैं, घंटे दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, टाइम लिमिट है, तो पैसा भी लिमिटेड है, लिमिटेड है। अब यहाँ पे लिमिटेड पैसा आ रहा है। दूसरी चीज़ ये एक्टिव इनकम है, लिमिटेड पैसा है। और तीसरी चीज़ है कि अगर पूरी दुनिया में सर्वे किया जाए तो ज़्यादातर लोग या तो कोई नौकरी कर रहा है या खुद का व्यवसाय कर रहा है। यानी दुनिया के 95% लोग यहाँ पे रहते हैं, मगर इनके पास प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है दुनिया की? मात्र 5%। ठीक है, 95% लोग पूरी दुनिया में है और उनके पास प्रॉपर्टी क्या है? मात्र 5%। अब हम जरा क्वाड्रेंट के इस साइड में देखते हैं, ये क्या, ये जो है, ये जो क्वाड्रेंट बनाया था एक बहुत बड़े किताब में उन्होंने लिखा हुआ है, तो उन्हीं का है। और ESBI, अब इधर कौन सा आ गया? बिजनेसमैन कैटेगरी। बिजनेसमैन कौन से होते हैं? टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल। ये क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? OPT, OPM और OPS, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी, अदर पीपल स्किल। इनके नीचे टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल बहुत सारे लोग हैं और इनके नीचे बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी काम करते हैं। ये कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ज़्यादा एजुकेटेड लोग इनके साथ काम करते हैं। और इन्होंने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है जो दूसरे का टाइम, दूसरे का पैसा, दूसरे का स्किल का पूरा तरह से इस्तेमाल करते हैं। और ये होती है बिजनेसमैन कैटेगरी। इनका टाइम बढ़ता जाता है, जितने लोग इनके साथ काम करेंगे उतना टाइम बढ़ता जाएगा। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की, जो उनके लिए पैसा काम करता है, जो पैसा लगाते हैं उनके साथ पैसा काम कर सकता है। वैसे जियो ने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अब लगातार उसके पास पैसा आता जा रहा है। एक बार उसने फाइबर बिछाया 2005 से लेकर 10 के बीच में, और जब उसने लॉन्च किया तो आज की डेट में हर आदमी जी यूज कर रहा है, पैसा आ रहा है। यानी ये इन्वेस्टर्स होता है, इन्वेस्टर्स। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि आपको एक, अगर आपको ये चीज़ मिल जाए, इधर कितने लोग होते हैं? इधर होते हैं 5% लोग, मात्र 5% ही लोग होते हैं, मगर इनके पास प्रॉपर्टी होती है दुनिया की 95%। यानी 95% प्रॉपर्टी तो इधर वाले के पास है। और ये बिजनेस सीधे आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है? यहाँ से सीधे यहाँ ले जाता है। अगर आपको सीधे यहाँ आना है तो इसके लिए कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन थैंक्स टू मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम आपको ये जो दूसरे का पैसा, दूसरे का समय, दूसरे का स्किल बड़े आसानी से इस बिजनेस में मिल जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब दोस्तों ये बताइए कि जो हम सामान खरीदते हैं, वही मैं बताने जा रहा हूँ, मार्केट से खरीदते हैं, तो मार्केट से खरीदते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरर और एक होता है कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर के पास कोई सामान अगर 40 का बनता है तो हमारे ग्राहक तक आते आते कितने का हो जाता है दोस्तों? 100 रुपये का। बीच में कौन कौन है? रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, C&F है, और इसमें एक एड मीडिया भी है। ठीक है, अब एड का 35% और 25% कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। तो कुल मिला के कितना हुआ? 60% तो बीच में चला गया। तो जो जो बीच का पैसा जा रहा है ये किससे लिया जा रहा है दोस्तों? किससे लिया जा रहा है? हम आपसे लिया जा रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है? यही जो 40 का बिकने वाला सामान और बीच में जो सारे लोग हैं इनको हटा दिया जाता है, और मोदी के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में जो DP स्टोर है या ऑनलाइन स्टोर से आप ले सकते हैं, तो ये बीच के सारे मिलने वाले फायदे एक कंज्यूमर पूरी तरह से ले सकता है।
और यही डायरेक्ट सेलिंग है कि इन लोगों को हटा के सीधे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच की दूरी में सिर्फ एक डीपी दे दिया गया, एक एमएससी दे दिया गया, होलसेलर पॉइंट दे दिया गया, ऑनलाइन दे दिया गया और ये आपको सीधे डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे मोदी केयर में आते हैं तो यहाँ पे क्या कैसे आते हैं सर, आपको एक फ्री आईडी लगती है, आईडी का एक पैसा नहीं लेता, रजिस्ट्रेशन का कंपनी एक पैसा नहीं लेती है और आप मोदी केयर में रजिस्टर्ड हो जाते हैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ। पहला फायदा इसमें क्या है, जैसे आपको 8 डिजिट का एक कोड मिल जाता है जिसपे आप परचेजिंग कर सकते हैं, बिलिंग करा सकते हैं, तो पहला फायदा है कि 10-20% का डिस्काउंट मार्केट में भी क्या मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा 5-10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी और साथ में आप 20% तक का रिटेल प्रॉफिट इसी में आप ऐड कर सकते हैं सेकंड प्रॉफिट में। ये 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी क्या है, मोदी केयर हर एक प्रोडक्ट पे गारंटी लिख के देता है कि अगर पसंद ना आए तो आप 25-30% यूज करने के बाद पूरा प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। क्या हमको बाहर वो गारंटी मिलती है क्या मार्केट में लिखा हुआ, नहीं, मोदी केयर लिख के देता है। इसके अलावा अगर 20% डिस्काउंट है तो 20% रिटेल प्रॉफिट तो आप ले ही सकते हैं। अगर MRP से डिस्काउंट मिला और आपने MRP बेचा तो आपको रिटेल प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा 7% से लेके 22% का अकुमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जैसे ही हम इस बिजनेस में आते हैं कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम 7% से स्टार्ट करते हैं और 7-22% तक का बोनस आपके खाते में आता है आपकी खरीदारी पे। अब इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ये बोनस कैसे आता है आपके अकाउंट में, ठीक है ये दोस्तों। और इसमें चौथा फायदा क्या है कि लॉयल्टी बेनिफिट है, यानी कि जो कहीं पर भी आप कहीं भी सामान लेते हैं, मोदी केयर कहता है कि मोदी केयर अगर आप लगातार 6 महीने तक 2.5-5 हज़ार के वैल्यू का सामान आप ले रहे हैं, पहले महीने पूरे 30 तारीख तक, अगले महीने से 15 तारीख के बीच में 2.5-5 हज़ार का सामान आप लेते हैं लगातार 6 महीने तक, तो 6 महीने के एवरेज में जो भी आपका कूपन बनेगा वो आपको फ्री मिलेगा। यानी 6 महीना लगातार लेने पे 1 महीने का सामान फ्री और 12 महीने लगातार लेने पे 3 महीने का सामान फ्री, यानी कि जो 13वां महीना होगा उसमें 6 महीने का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही पूरे साल का भी एवरेज आएगा, वही सामान फ्री मिलेगा। तो आप अगर उसको जोड़ेंगे तो 10% डिस्काउंट, 20% रिटेल प्रॉफिट, 20% डिस्काउंट, 10% का ऑफर मिलता है, 1,000 पे 100 रुपये का सामान फ्री। कहीं मिला है दोस्तों 10% का ऑफर आपको, ऐसा नहीं मिलेगा, 10% का ऑफर है। और लॉयल्टी बेनिफिट भी जोड़ेंगे तो 10% के ऑफर के साथ साथ प्लस लॉयल्टी बेनिफिट भी आप जो होते हैं जो कि 25% होता है, तो कुल मिला के देखा जाए 20, 10, 30, 55 और 7, 62, यानी कि 62% का पे आउट होगा शुरुआत से ही। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये पैसा कैसे आता है, ठीक है, बोनस कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए आप हैं, आप इस बिजनेस में आ जाते हैं और आपने सपोज 6 लोगों को इस बिजनेस को बताया, एक एग्जांपल लेते हैं 6, 8, 10 कोई भी हो सकता है, 6 लोगों का एक मैंने एग्जांपल लिया है। और यहाँ पे आपने भी अपने घर का सामान खरीदा 1500 बीबी का, यानी कि कैसे ये बीबी कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों, इसी प्रोडक्ट की MRP अगर 120 है तो DP उसका 100 रुपये का होगा और हर प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम निर्धारित है, यानी कि 100 रुपये के सामान पे लगभग आपको 50% बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। तो आपने 3000 का सामान अपनी ज़रूरत का खरीदा तो 1500 बीबी आपका हो गया और ये जो 6 लोग आपके साथ बिजनेस में आए इन्होंने भी 1500 बीबी किया 6 लोगों ने, तो 1500 बीबी। अभी पैसा कैसे आता है बीबी पे बोनस, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 27 बीबी पे 7%, 8127 बिजनेस वैल्यू पे 10%, 32427 बिजनेस वैल्यू पे 13%, 72927 बिजनेस वैल्यू पे 16%, 121527 बीबी पे 19%, और इसी तरह से करते करते दोस्तों जब 162027 बीबी आपका हो जाता है, 162027 बीबी जब आपका हो जाता है तो आप 22% डायरेक्टर हो जाते हैं।
22% को डायरेक्टर कहते हैं। यहाँ पे अपन कंसल्टेंट है यानी सलाहकार, हमें प्रोडक्ट पसंद आ रहा है आगे बढ़ते आ रहे हैं, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, एसोसिएट सुपरवाइजर, डिप्टी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और यहाँ पे डायरेक्टर, डायरेक्टर यानी 22% का बोनस आपको मिलना शुरू होता है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, शुरुआत में जैसे ये बंदा जोड़ा तो 1500 बीवी का सामान खरीदा, तो 1500 बीवी का 7% कितना हुआ, और क्योंकि अभी कितना हुआ 105, यहाँ इनको कितना मिलेगा 105, इनको भी 105, इनको भी 105, इनको भी 105, इनको भी 105। अब आपका टोटल बिजनेस कितना हो गया सर, यहाँ पे 9000 बीवी का बिजनेस हुआ है और 1500 आपका हुआ है, कुल बिजनेस कितना हो गया है आपका 10500 बीवी। 10500 बीवी होने पे आप 10% पे आ गए, तो अब आपको कितना आएगा अपनी खरीदारी का 10% यानी 150, और जो 9000 सामान यहाँ बिका है ये 7 पे हैं आप 10 पे हैं, तो 3% 9000 का डिफरेंस अमाउंट 270 रुपये यानी 420 रुपये आपके खाते में आ गए। आपने क्या किया, कुछ सामान खरीदा, 6 लोगों को बताया, वो भी अपने घर का सामान ले आया, आपको 400 रुपये आ गए। अब ये 6 लोग भी देखते हैं यार हम तो सिर्फ कुछ लोगों को बताया, उनको पैसे गए, ये भी आगे पैसा कमाना चाहेंगे, आप इनकी मदद करते हैं, क्योंकि ये विन विन बिजनेस है, जब तक दूसरे की मदद आप नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ते। इन 6 लोगों की आप मदद करते हैं, ये 6 लोग अगर 6-6 लाते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हो गए 36 और 6 पहले थे और एक आप, कितने लोग हो गए 43 लोग, और इन्होंने 43 लोगों ने 1500 बीवी का सामान खरीदा तो 64500 बीवी का बिजनेस हो गया, 64500 बीवी का बिजनेस। इसका मतलब इन 36 लोगों को 105 आएगा, ऊपर वालों को 400 आएगा मोटा मोटी, और आपको आएगा 4000 रुपये, एक जीरो और लग गया। इसी तरह ये 36 लोग अगर 6-6 को लाते हैं, अगर यहाँ 36 लोग 6-6 को लाते हैं तो यहाँ पे कितने लोग हो गए 216 लोग, 216 36 और 10 कितने लोग हो गए 250 लोग, 259 लोग हो गए और 1500 बीवी हो गया, तो यहाँ पे कितना बिजनेस हो गया 388000 का, 388000 में पिछले महीने का बिजनेस जुड़ता जाएगा, क्योंकि हर महीने का बिजनेस जुड़ता जाएगा, कभी भी बिजनेस जीरो होता नहीं, हर महीने का जुड़ता जाता है। तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, इन 216 लोगों को आएगा 105, ऊपर वालों को 400, और जो शुरू में 6 लोग जुड़े थे उनको 4000, और आपकी इनकम दोस्तों हो गई 40000। इसी तरह स्टेप बाई स्टेप आपके बिजनेस में लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, अपना सामान खरीदते जाएंगे, सिस्टम में बने रहेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके नेक्स्ट स्टेप में ही इनकम हो जाती है 2-2.5 लाख रुपये, यानी कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और कंपनी की सारी रिकग्निशन आप पा सकते हैं। चौथी रिकग्निशन दोस्तों मैंने बताया था, 3 तक बताया था, ये तो कंपनी का ऑफर था। चौथी रिकग्निशन में डायरेक्टर बोनस हो गया आपका 14%, जैसे ही आप डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं 22% के बाद आपको डायरेक्टर बोनस 14% और ऐड लगता है जब आप डायरेक्टर लेवल मेंटेन करने लगते हैं। पांचवी इनकम आपको आता है लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस, जिसको हम बोलते हैं, ये आता है, बहुत अच्छी इनकम आती है 15%। आप जब सीनियर डायरेक्टर हो जाते हैं, आपके नीचे डायरेक्टर को एक सीनियर डायरेक्टर भी हो जाता है, आप भी सीनियर डायरेक्टर हो जाते हैं, और उस लेग में 97200 बीवी का बिजनेस होता है ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, तो उस लेग से आपको एलबीवी आती है 15%। छठी इनकम आती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ट्रैवल फंड, जैसे आप सीनियर डायरेक्टर होते हैं देश विदेश की यात्रा के लिए 3% पैसा जमा होता है। सातवीं इनकम आती है इसमें कार फंड, जब आप 3 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं 5% वो आता है, लगभग 1 लाख रुपए तक की आपको कार फंड आती है। और आठवीं इनकम दोस्तों इसमें आती है हाउस फंड की, अपने खूबसूरत घर अपने पसंद का ले सकते हैं। जब आप यहाँ पे कार फंड के लिए आपको 3 लोगों को डायरेक्टर बनाना है और लगातार मेंटेन करना है तो कार फंड आएगा। हाउस फंड के लिए आपको 6 लोग डायरेक्टर बनती है तो आप हाउस फंड तक पा सकते हैं, यानी इस बिजनेस की पूरी 8वीं इनकम आप पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं दोस्तों। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और मैंने कोशिश किया दिखाने का, बहुत दिनों बाद दिखाया था, और अपनी जिंदगी बदलनी है, वेलकम है आप सबका इस बिजनेस में, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू मोदी के यार। ये तो 3 डायरेक्टर जो है